हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके चैनल पे पिटा एजुकेशन में। आज मैं आपका लाइक नई वीडियो चौधरी जंस की तरफ से एक अपडेट आया है एग्जाम नोटिस की तरफ से। तो आज एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाई जा रही है उसके लिए, जो बच्चों के अभी एग्जाम्स रुके हुए थे तो उनकी तरफ से एक नोटिस अभी अपडेट हो गया है। कुछ दिन पहले अभी अपडेट आया था कि एग्ज़ाम जो होनी है, फिर की एग्ज़ाम है वो भी होने हैं। तो आज एक अपडेट हुआ है 20 तारीख में आपका ये जारी किया नोटिस उनकी तरफ से, कि कोई भी अफवाह ना फैलाएं कि आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, प्रमोट होंगे बच्चे कैसे होंगे। तो इस नोटिस में आपको फुल जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शीज करने से लास्ट तक जरूर देखेंगे और वीडियो में देखें कि आपको क्या मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ, जितनी आपके अपडेट होते हैं यूनिवर्सिटी ने क्या रखा है, जितने भी आपके अपडेट आएंगे न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो आपके अपडेट भरे जा रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं, एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं, तो सभी प्रकार की जितनी भी एक्टिविटी अभी हो रही है और जितनी आपके नोटिस अपडेट होते हैं तो इसी साइड में आपके अपडेट होते हैं। तो कि अन्यथा फेक न्यूज़ पर ना जाए, जो भी आपको ऑफिशियल होगा वो इस साइड पर आपको मिलेगा जो आप सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो यूनिट तरफ से जो आपके नोटिस अपडेट हुआ है उस नोटिस को देख सकते हैं क्या नोटिस में आपको दिया गया है। तो नीट नोटिस का आपको सिंपल तरीके से आपको ओपन करना है। अगर आप फोन में यूज कर रहे हैं तो सिंपली आपको फोन में ये साइट ओपन कर लेनी है और आपको यहाँ पर आना है न्यू अपडेट पर। न्यू अपडेट पर आने के बाद सिंपली आपको दिखा दिख रहा है 20 नंबर का नोटिस होगा ये, सेमेस्टर वाइज रेगुलर एंड प्राइवेट। जितने बच्चों के रेगुलर एग्जाम हो रहे थे, प्राइवेट हो रहे थे, सेमेस्टर वाइज हो रहे थे, तो उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। जितने भी एग्जाम सभी के लिए आपको ये वीडियो है जो एग्जाम बच्चों के रुके हुए थे। इसे आप सिंपली से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको एक कैचअप कोड यहाँ पर डालना होगा। इसे दोस्तों आप फोन में भी ओपन कर सकते हैं और अपना लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं। विन्यू विंडो ओपन के बाद कैचअप कोड ओपन होगा, होने के बाद आपके यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दोस्तों दिखाई देगा। तो चौधरी चरण सिंह विद्यालय की तरफ से जो नोटिस अपडेट हुआ है, जहाँ से सूचित किया गया है जितने भी आपके वर्तमान में जिस तरह सेमेस्टर प्रणाली चल रही थी, सेमेस्टर की जून 2020 में, और जो परीक्षा फॉर्म भरे जा रही हैं इनके चलते हुए, तो ऐसी अफवाह पे दोस्तों ना ध्यान दें कि जो आप कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होने हैं, क्या होने हैं। तो इसमें बताया गया है कि परीक्षा जो आपकी बची रह गई है, देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर दिखाया है, बस प्रणाली के अंतर्गत संचालित समस्त व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को मुख्य परीक्षा 2020 के शेष बची परीक्षा को भी शीघ्र ही आयोजित कराया जाएगा। तो कह सकते हैं जो आपके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसके साथ भी आपका एग्जाम हो सकती है, जो बची हुई परीक्षा है। बहुत अच्छा नोटिस मिल रहा है आपके सामने। मैं सिंपल तरीके आपसे बता देता हूँ, जो बच्चों को फॉर्म भरे जा रहे हैं सेमेस्टर वाइज अब जून में, और जो बच्चों के फॉर्म परीक्षा बची हुई है लॉकडाउन के चलते जो बंद हो गई थी, तो साथ में कराने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो साथ में एग्जाम हो सकते हैं। तो ये नोटिस अपडेट हुआ है, तो बच्चों जो आपकी तैयारी में लग रहे हैं वो और भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाले हैं, कब तक आपकी डेट शीट आनी है। तो नोटिस सबका आया था अभी, और आपका न्यूज़ के माध्यम से बताया था कि जुलाई में आपकी डेट शीट आ सकती है, या आपके कुछ दिन पहले भी आ सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है, और आपके एग्जाम जुलाई में कराने की समस्या बनाई जा रही है। दोस्तों ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि आपका अगर एग्जाम होंगे तो किस वजह से होंगे, किस गतिविधि से होंगे, एग्जाम कैसे कराए जाने हैं, कैसे होगा, मास्क लगा के क्वारंटाइन कराया जाएगा छात्र को, और आपका थर्मल स्कैन कराया जाएगा। तो हर प्रकार की समस्या बनी हुई है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, टाइमिंग का कैसे रखना है, छात्र एग्जाम में कैसे बैठेंगे, तो सब कई प्रकार की समस्या बनी हुई है एग्जाम कराने में। जब जितने बच्चे होंगे, किस टाइमिंग को अनुसार बुलाना है, किस टाइप से बैठाना है, तो सभी का समस्या बनी हुई है इसमें। तो इसी के लेट होते हुए आपका एग्जाम फॉर्म जैसे निकले हुए थे, तो इसी के साथ में आपका एग्जाम कराने की तैयारी है। और यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं को समस्त सूचनाएं, जितनी आपकी सूचनाएं होगी, जिसमें आपको शुरू में बताया दोस्तों, जितनी आपकी सूचना अपडेट होगी, चाहे वो एग्जाम से रिलेटिव हो, चाहे कोई भी नोटिस अपडेट हो, एग्जाम से कोई भी फॉर्म हो, एडमिशन हो, तो इसी साइट पर आपको मिलेगी जो आपको मेरे साइट पर दिखाई दी है। मैं दिखा देता हूँ वही साइट आपको दोबारा, यहाँ पर जितनी आपके साइट दोस्तों आप नहीं देख सकते हैं, जितनी आपके नोटिस अपडेट होंगे वो आपको मिल जाते हैं। और देख सकते हैं आगे, इस वाले के संबंध में परिचार्य और विद्यालय विभाग छात्र अभिभावक अत्यधि अनुरोध है कि कह सकते हैं सिंपल तरीके से, मैं जो विद्यालय तरफ से जो विश्वविद्यालय तरफ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस अपडेट होते हैं छात्र अभिभावक उसको देखते हुए, किसी अन्य संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐप के माध्यम से अनावश्यक फैलाए अफवाह को ध्यान न दें। तो इससे कह सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जितनी आपकी सोशल मीडिया पर आपकी अपडेट होती हैं कि आप एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, बच्चों को प्रमोट कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा, तो ऐसी अफवाह पर दोस्तों ध्यान न दें, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो अनऑफिशियल होगी कि एग्ज़ाम अब होने हैं, कैसे होने हैं। कुछ दिन पहले आपकी वीडियो आई थी उसमें डेट शीट भी जारी कर दी, तो वो आपकी फेक थी,
जितनी भी आपकी अपडेट होगी, जितनी आपके दोस्तों अपडेट होगी, चाहे वो किसी प्रकार का नोटिस भी हो, एग्जाम से रिलेटेड भी हो, तो जो भी आपको अपडेट होगी वो सीसीए यूनिवर्सिटी एसीएन रूटीन की साइट पर ही मिलेगी। तो ऐसे भी आपको आप दोस्तों ध्यान दें, सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी ने क्या रखा है कि ऐसी मल्टी मीडिया एप्स के द्वारा या किसी अन्य न्यूज़ के फेक न्यूज़ का आपको ध्यान देने, जो भी आपको सोचने मिलेगी वो सीसीए यूनिवर्सिटी की साइट पर ही मिलेगी। जो भी नोटिस अपडेट होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर ही। जब तक आपका नोटिस अपडेट नहीं होता है तो ऐसी सूचनाओं पर ध्यान ना दें। आपके एग्जाम के बारे में रिजल्ट बहुत ही अच्छा नोटिस आया है आपकी, जो बची हुई परीक्षा है वो आपकी जरूर होनी है, सभी सेमेस्टर वाइज की रेगुलर हो, चाहे प्राइवेट बच्चे हों तो सभी के एग्ज़ाम होने हैं, चाहे लेट हों या थोड़ा टाइम बाद हो। तो रिजल्ट आने में जो दोस्तों दोस्त टाइम लग रहा है वो इसी वजह से लग रहा है कि जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम करने की तैयारी में लग रहे हैं। कुछ के रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं, कुछ के आ रहे हैं, कुछ के नहीं आए हैं, तो इनकी वजह से रुके एग्ज़ाम रुके हुए हैं। तो एग्ज़ाम दोस्तों होंगे, सभी के एक साथ होंगे और जल्दी होंगे, आपकी डेट शीट आपकी अपडेट कराई जाएगी। जैसे आपको डेट शीट आएगी वो इसका आपको यहाँ पर साइट पर मिल जाएगी, तो आपको जरूर आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको जैसे ही आपकी डेट शीट आपकी जारी होगी, अब हो कल हो या परसों हो, जब तक आपकी वीडियो आएगी आपको उस चैनल पर अपडेट होगी। दोस्तों यार मेरी गई जगह पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, और मेरी दी गई को पसंद आई हो, कुछ भी आपको डाउटफुल हो इस वीडियो के माध्यम से कि एग्ज़ाम के कैसे होने हैं, कब तक होने हैं, तो जुलाई में डेट शीट आ सकती है, आपके एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। सभी दोबारा बताता हूँ, जो बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, 1 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तो उनके भी साथ में एग्ज़ाम कराने की तैयारी बनी रही है सेमेस्टर वाइज, सभी के एग्ज़ाम हो सकते हैं एक साथ में। क्वारंटाइन मार्क्स लगा के आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंस भी रखते हुए एग्ज़ाम होने की तैयारी में बनी हुई है। तो फेक अप न्यूज़ पर ध्यान ना दें दोस्तों, आपको जो भी ऑफिशियल नोटिस होंगे तो यही देखेंगे, और अन्यथा आपको जो फेक न्यूज़ हो उस पर ध्यान ना दें। तो मेरे दोस्तों तो ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ऐसे ही अपडेट देखने चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ये लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, डायरेक्टली आ सकते हैं या अपने यहाँ पर अपनी न्यूज़ पाकर देख सकते हैं। ऐसी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।